इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार एलिस्टेट वीकली का कोई पत्रकार हमारे इंटरव्यू लेने दिल्ली में आए तो बोले, आप ये पुरानी कथाएं बार बार सुनाते हैं, आपको उलझन नहीं होती? मैंने पूछा कितने तक पढ़े हो? बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा जब पोस्ट ग्रेजुएट करना फिर आना इंटरव्यू लेने, हम इंटरव्यू नहीं देते, हम कथा सुनाते हैं, हमारा सब्जेक्ट इंटरव्यू नहीं है, हमारा भगवान का ग्रंथ है, इसको गाना हमारा विषय है। आज के बच्चों को समझाना बड़ा कठिन है साहब। प्रभु ने भरत जी को समझाया, भरत जी समझ गए। पालई पोषई सकल तुलसी और एक पंक्ति में प्रभु ने राज धर्म क्या होता है भरत जी को बताया। लाला, राजा का धर्म कैसा? आ तो मन का मनोरथ जैसा। राजा मन में कोई परिकल्पना बनाता है, वो तब तक नहीं प्रजा में विस्तार देता है जब तक वह पूर्ण न हो जाए। अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं उसके साथ। ये पंक्ति दर्शन करिए, माँ भगवती पार्वती मैया से सीता मैया मेरी कहती हैं, मोर मनोरथ जानो। निके माने बढ़िया से, मेरे मन में जो अर्थ है, भाव है, चाहत है, आप ठीक से जानती हैं। क्यों? बसहु सदा और पुर सब ही। हे माँ भगवती, मेरे मन में क्या चल रहा है आप ठीक प्रकार से जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में वास करती हैं। माँ जानकी जी ने भगवती पार्वती मैया से अपनी बात कही नहीं कि मैं क्या चाहती हूं, मनोरथ बताया। राजा को अपना मनोरथ साध लेना चाहिए, अत्यंत अंतरंग से ही कहना चाहिए, जो उसके जैसा दूसरे से न करे, प्रचारित प्रसारित न करे। लक्ष्य पूर्ति होने के बाद विस्तार हो उसका। राजधर्म सर्वस्य यत्नोई। राजधर्म क्या है कि राजा पहले निर्णय बना लेता है, उसको व्यवहार में परिणित होने के बाद ही आगे प्रचारित करता है। भैया, मन में जैसे मनोरथ छिपा करके रखा जाता है, राजा को अपने राजधर्म का जो व्यवहार है उसको छिपा के रखना, हर बात का विस्तार नहीं करना, अत्यंत अंतरंग लोगों में ही उसका प्रचार हो, बाहर न जाए। हम लोगों ने देखा परम श्रद्धे माननीय अटल जी जब थे तो भारत ने परमाणु परीक्षा किया, उनके अंतरंग कैबिनेट को भी नहीं पता, महामहिम श्रद्धेय कलाम साहब को पता था कि यह कार्य करना है, और उनके अंतरंग दो लोगों को पता था, शेष किसी को नहीं पता। जब परीक्षण हो गया तो दुनिया जान पाई कि भारत ने एटम परीक्षण कर ली। जय जय सीताराम। राजा को इतना छिपाव करना, राजा को हर बात का प्रचार नहीं करना, परिणाम अपने आप लोगों तक शब्द पहुंचा देता है। शब्द ब्रह्म है, उसका विस्तार करना स्वभाव है। प्रभु ने सूत्रवत कहा, कोई निर्णय आप लें तो इसका ध्यान रखना है कि अत्यंत अंतरंग लोगों के अलावा किसी को बोध न हो। बात को छिपाने का प्रयास करना चाहिए, ये भी सबके बस का कार्य नहीं है, छिपाव सब नहीं कर सकते।
प्रभु का उपदेश, प्रभु का संदेश, प्रभु का प्रकाश, प्रभु का मार्गदर्शन भरत जी के हृदय को शीतलता तो प्रदान कर रहा है, परंतु भरत जी सोच रहे हैं अयोध्या के राजा तो सरकार हैं, सरकार वन में रहेंगे तो अयोध्या का संचालन कैसे होगा। तो भरत जी के भाव को ये है मनोरथ। देखिए यहां एक सूत्र है, हम सौभाग्यशाली हैं यदि हमारे मन में बैठे मनोरथ को कोई पढ़ने वाला जीवन में हो। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। मन से चलने वाला सेवक नहीं मिलता, मन के साथ बहने वाला पुत्र नहीं जन्म लेता, मन के साथ चलने वाले सखा नहीं होते, मन से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर जी नहीं मिलते, मन से चलने वाला पति नहीं मिलता, मन से चलने वाली अर्धांगिनी नहीं मिलती। जिसको मिल जाए उसका सौभाग्य है, धरती पर उससे बड़ा कोई भाग्यशाली जीव नहीं। मन से चलने वाले मिले, मेरे मन से नहीं, मन को पढ़ने वाला चाहिए। मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी बार बार अपने मन को कसते हैं। जरत सकल सुर वृंद विषम करल जेहि पान किय तेहिन भजसि मन मन को कृपा शंकर। काशी जी में बाबा को उच्चाटन हुआ, अयोध्या चलो, मन को समझाते हैं। और मानस सर में तो गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही है, देखिए, मन कर विषय अनल बन जाए, मन कर विषय अनल बन जाए, ओ ये सुखी अंग है जो इस जन्म में भी है, पिछले जन्म में भी था, अगले जन्म तक चलेगा। जीवन में तीन प्रॉपर्टी हमारी आपकी अपनी है। किसी का प्रश्न आया है यूट्यूब पर, महाराज जी जीवन में साथ क्या चलता है? हमारा मन हमारे साथ चलता है। अस तो मेरी प्रार्थना है कि मन को शुद्ध रखिए। बाजी न बजाइए, भक्तों ने झरझरा करके कहा है कि आप जब बोलते हैं तो अपनी टीम को कहिए कि वो बाजा बजा ना बजाओ, कृपा करके आप लोग ना बजाइए, जब हम ना बोलें तब बजाइए। भगत भी अद्भुत हैं साहब, तो उनका बस न चले तो नहीं तो हमको काका बता दें, महाराज जी टोपी लगा के बैठा करें। देखिए प्रसंग व्यास जी स्वर जी क्या कहा, शुद्ध मन पिछले जन्म में भी था, अगले जन्म में भी रहेगा। हमारे द्वारा किए गए पुण्य, जो हम पुण्य करते हैं, पुण्य क्या है? मनसा वाचा कर्मणा भागवत संतों साधुजनों विप्रजनों ब्राह्मणजनों वैदिक विद्वानों के चरणों में दृढ़ निष्ठा से प्रीति रखना, ये पुण्य बढ़ने का प्रथम तरीका है। पुण्य एक जग मौने दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। हमारे ब्राह्मण सदा सभा के पुरोधा परम श्रद्धे
बड़े भैया श्री नारायण त्रिवेदी जी बैठे हैं यहाँ, ये हमारे पुरोधा हैं। ये ऐसा उद्यम करते रहते हैं, भगवान परशुराम जी का दिव्य स्वरूप इन्होंने पधराया है कि लोगों की श्रद्धा भागवत महापुरुषों में बनी रहे। हमारा भी सौभाग्य कभी कभी हमको मिल जाता है, कथाएं तो रहती हैं लेकिन अवसर मिलता है तो हम अवश्य रहते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।